प्रियंका लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों का खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल, जहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के कई फेमस और फेमस हीरो या एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में आप सभी लोगों को कोई खास जानकारियाँ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत ही होती है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और चुलबुले अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाली हीरोइन काजल राघवानी को लेकर। काजल राघवानी वैसे तो फिल्म, गाने और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर विवाद में, चर्चाओं में बनी रहती है, लेकिन इस बार काजल राघवानी को लेकर खबरें थोड़ी हटकर आ रही है। और वो खबर दरअसल में सामाजिक मुद्दे पर काजल राघवानी अपनी आवाज़ उठाती हुई नजर आई है, और गुजरात के जहाँ से वो खुद बिलोंग करती है, वहाँ पर लोगों, उनके लोगों पर भड़कती हुई नजर आई है काजल राघवानी। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं काजल राघवानी के साथ जुड़ी ये खास रिपोर्ट। Start your career with us. भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन काजल राघवानी, जो कि अभी तक ज्यादातर अपनी फिल्मों को लेकर खबरों में बनी रहती थी, वहीं आज वो गुजरात और बिहार के सामाजिक मुद्दों पर बोलने की वजह से खबरों में छाई हुई है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि काजल राघवानी गुजरात की रहने वाली है और वो बिहार पूर्वांचल की बोली भोजपुरी इंडस्ट्री की सफल हीरोइन है, और जिस तरह से गुजरात में रहने वाले लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है, उसकी वजह से काजल ने पहले तो सोशल मीडिया पर लाइव आई और फिर वो एक वीडियो जारी किया उन्होंने, जहाँ काजल राघवानी ने गुजराती भाषा में गुजरात के लोगों से अपील की कि एक की गलती सभी को ना दे। जी हाँ, साथ ही काजल राघवानी ने स्पेशल तौर पर काजल राघवानी ने अल्पेश ठाकुर से अपील की है कि इस तरह के बिहार के मजदूरों को उनकी रोजी रोटी को बंद कीजिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग होते हैं जो कि अपने गाँव घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने काजल राघवानी जहां तक अभी तक अपने गाने, अपने फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती थी, वहीं अब एक बार फिर से वो खबरों में बन गई है अपने हीरोइन को लेकर, अपने बयान को लेकर के। और गुजरात के लोगों को उन्होंने बहुत ही गुजराती भाषा में बहुत ही अलग अंदाज के साथ उन्हें समझाया है कि बिहार के जो मजदूर लोग हैं, जो अपने गाँव परिवार को अपनी रोजी रोटी के लिए छोड़ कर आते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। पहले आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में बढ़ते हैं हम रितेश पांडे को लेकर। जी हाँ, रितेश पांडे जो कि अभी तक सिर्फ सिंगर के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस हो रहे थे, लेकिन अब वो एक सफल एक्टर बनने की ओर रुख कर चुके हैं और तमाम तरह की फिल्में उन्होंने साइन कर ली है, लेकिन देखा जाए तो इस समय पर वो आम्रपाली के साथ ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह, जिन्होंने खेसारी के, जिन्होंने रितेश पांडे के साथ पहले फिल्म साइन की थी, लेकिन अभी वो शूटिंग नहीं कर पा रही, उनकी जगह अभी आम्रपाली दुबे काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है रितेश के साथ। चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों रितेश पांडे और आम्रपाली के फिल्म से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रितेश पांडे इस समय पर फिल्म सैया थानेदार की शूटिंग जोरों शोरों से कर रहे हैं और फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। वाला आम्रपाली दुबे और रितेश पांडे दोनों ही अब फिल्म के गानों की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, ऐसी खबरें आई हैं। और आज सोशल मीडिया पर आम्रपाली और रितेश पांडे ने एक और नई तस्वीर शेयर की है, जिस तस्वीर में रितेश पांडे पुलिस के भेष में नजर आ रहे हैं, तो वहीं आम्रपाली दुबे ने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है और बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और फोटो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज आम्रपाली और रितेश दोनों ही अपने फिल्म के गानों की शूटिंग कर रहे हैं। वेल, देखा जाए तो इस समय पर रितेश के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है, जहां पर वो आम्रपाली दुबे के साथ फिल्म को शूट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बाद वो अक्षरा सिंह के साथ फिल्मों की शूटिंग बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि इस समय पर रितेश पांडे और आम्रपाली के सितारे बिल्कुल बुलंदियों पर है, कहीं ना कहीं अक्षय सिंह बिल्कुल साइड होती हुई नजर आ रही हैं। वेल, देखा जाए तो कहा जा रहा था कि रितेश पांडे और अक्षय सिंह अपनी फिल्म की शूटिंग दशहरे के बाद शुरू करेंगे। दशहरा बहुत नज़दीक है, देखते हैं फिल्म की शूटिंग इनकी कब से शुरुआत होती है, और हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में रुक करते हैं जुबलस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान को लेकर। निरहुआ एक ऐसे स्टार जो काफ़ी
फेमस है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बड़े सितारों में उनका नाम लिया जाता है। और इसी बीच इस समय पर हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक सोशल मीडिया पर लाइव का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग स्टार्स की अलग अलग फिल्मों को लेकर बयान दिया है। लेकिन खबर इस बार बन गई है उन दोनों को लेकर के, दिनेश लाल यादव के साथ खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू को। जी हाँ, चलिए पहले खबर दिखाते हैं फिर आपको बताते हैं पूरी जानकारी। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कल सोशल मीडिया पर लाइव आए, जहां उन्होंने कल एक साथ रिलीज होने वाली तीन बड़ी फिल्मों का जिक्र करते हुए दर्शकों से अपील की है कि वो फिल्म वो जरूर देखें। जी हां, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि कल खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी लव यू के ने बिहार और नेपाल में रिलीज हुआ, तो वहीं साथ ही प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 और पवन सिंह की फिल्म लोहा पहलवान रिलीज हुई। और निरहुआ ने इन तीनों स्टार्स की फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों से अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि निरहुआ ने अपने छोटे भाई यानी कि खेसारी लाल यादव को धोखा देते हुए चिंटू की फिल्म का प्रमोशन किया है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि निरहुआ के लिए इंडस्ट्री के सभी स्टार्स एक समान हैं, और इसी वजह से निरहुआ ने वीडियो में तीनों स्टार्स की फिल्मों का जिक्र करते हुए तीनों ही स्टार की तारीफ करते हुए दर्शकों से तीनों ही फिल्म देखने की अपील की थी। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि आखिर किस तरह से खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू के दुश्मनी के बीच कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी नाम सामने आया है। लेकिन खबर कैसे थी, किस तरह से उसे बताया पेश किया गया था, ये हमने आपको बता दिया है। फिलहाल बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, ऐसा कभी कोई दिन ना जाए जिसमें खेसारी लाल यादव की तरफ से चर्चाएं ना हो, बिकॉज वो हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। और इस बार साल 2017 की खेसारी लाल यादव की बहुत बड़ी फिल्म अब यूट्यूब पर दस्तक देने वाली है बहुत जल्द। मैं बात कर रही हूँ खेसारी लाल यादव की फिल्म हमें हिंदुस्तानी, जिसका नाम पहले था बाबरी मस्जिद और उसे बदल कर हमें हिंदुस्तानी रखा गया था। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी इसमें नजर आएगी। लेकिन ये फिल्म कब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, दर्शकों की तरफ से इसे दर्शकों कब इसे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, इसके बारे में आप सभी लोगों के लिए हम खास खुशखबरी लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं खेसारी लाल यादव के साथ उनकी फिल्मी हमसफर, काजल राघवानी के साथ जुड़ी उनकी ये खास रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। एक बार फिर से आज खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए खेसारी लाल यादव की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जी हाँ, वो खुशखबरी है खेसारी लाल यादव की फिल्म के साथ जुड़ी हुई। जहाँ अभी तक आप लोगों ने सुना था कि खेसारी की साल 2017 में काफ़ी मुसीबतों के बाद रिलीज होने वाली फिल्म हमें हिंदुस्तानी यूट्यूब पर रिलीज नहीं होगी, उस फिल्म का सोशल मीडिया पर रिलीज होने की तारीख तय हो गई है। जी हाँ, खबर है कि खेसारी लाल यादव की ये फिल्म दशहरा के मौके पर यानी कि 19 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। और आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खेसारी की ये फिल्म को लेकर के खबर आई है कि ये फिल्म 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर रिलीज होगी। और इसी के साथ खेसारी के तरफ से दर्शकों को एक खास तोहफा भी मिल चुका है, क्योंकि काफी समय से दर्शक इस फिल्म का सोशल मीडिया पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, और उन फैंस के लिए खेसारी लाल यादव की तरफ से दशहरे के ये तोहफे से कम नहीं है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम खबरें और जानकारियां जो कि आपके स्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी थी। फिलहाल मेरा वक्त हो गया जाने का, मैं आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत। लेकिन हाँ, आप ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया। बाकी कल एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच ममता तिवारी जी लेकर हाजिर होंगी आपका खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्टार्ट योर करियर विद अस।